बटन लेना है और फिर घुमा देना है पीछे की तरफ और फिर दोनों स्लीव्स को कंधे के पास बांध कर, वाओ, ये बन गया आपका फैशनेबल पार्टी ड्रेस। चलो ट्राई करते हैं। तो मैं पहन के आ गई हूँ ये वाला शर्ट, जिसका मुझे अभी खोलना है बटन यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे दोनों हाथों को निकालना है, अभी घूम गया। अच्छा, उनका फुल स्लीव था पर मेरा हाफ स्लीव है, तो हो गया। अब इस पार्ट को हमें पैंट या फिर स्कर्ट के अंदर इंसर्ट कर देना है। हो गया। ओह, ये काफी कूल लग रहा है। तो बालों को खोलने के बाद ये रहा मेरा पार्टी ड्रेस। You know I'm right. There's something hazy match me up tonight. काफी कूल लग रहा है गाइस, ये वाला जो हैक है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 10/10 वाला हैक है। तो इस हैक के साथ ही मैं अभी करने वाली हूँ ये वाला है, क्योंकि इसके साथ वो अच्छे से जाएगा। तो आपको लेना है एक इनर और उसको ऐसे पकड़ना है और फिर नीचे पहन लेना है और आपका स्कर्ट बन जाएगा। तो मैंने ले ली है इनर और इनर को हमें, हो गया, अब इसको मैं पहनूंगी। तो इसे पहनने के बाद लुक ऐसा आया है, पर सच बताओ वो जो मैंने स्ट्रैप था वो जो यू कर दिया था ट्विस्ट टाइप, वैसे तो नहीं मैं पहन पाई, तो मैंने ऐसे ही पहन लिया। ये देखो, ये स्ट्रैप, ये है स्ट्रैप और ये है स्ट्रैप। हैक अच्छा है, बट वो ट्विस्ट, बिना ट्विस्ट किए आपका जो ये स्कर्ट है वो ऐसे ही आपका। नेक्स्ट, अगर आपके पास है लूज टी शर्ट तो आपको ऐसा एक डोरी ले लेना है और अंदर से ऐसे डाल के फिर, वाओ, ये तो बहुत सही टॉप लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये रहा टी शर्ट जो कि बहुत ही ओवर साइज है, तो अभी मैं इसे पहनूंगी। तो पहन लिया मैंने टी शर्ट, अभी मुझे चाहिए डोरी जो कि मैंने ले ली है, अब उसको अंदर से डालना है और उसको यहाँ से निकालना है। यहाँ पे नॉट बांधना है। उनका जैसे बना एकदम, मेरा तो वैसे तो नहीं बना। तो काटने के बाद ये रहा मेरा फैशनेबल टॉप। Shame on me, I'm a fool for the melody. बहुत ही बढ़िया है। अगर नेक थोड़ा ब्रॉड होता तो उनके जैसा एकदम बन जाता, पर ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो अगर आपके पास भी ओवरसाइज टी शर्ट है और अगर आप उसको स्टाइल करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। 10/10 तो यहाँ पर इन्होंने लिया एक लॉन्ग स्कर्ट और स्कर्ट को ऊपर यहाँ पर पहन लिया और उसके ऊपर ब्लाउज पहनने के बाद, ओह माय गॉड गाइस, कितना प्यारा अनारकली ड्रेस बन गया। तो ये रहा मेरा लॉन्ग स्कर्ट, अब इसको मुझे ऊपर उठाना है, मुझे इसके ऊपर पहनना है ब्लाउज। तो ये रहा मेरा ब्लाउज, अब मैं इसे पहन लूंगी। पहन लिया तो वाओ, मतलब क्या बताऊं, कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली एक बड़ा सा झुमका और बेल्ट पहनने के बाद ये रहा लुक, और दुपट्टा भी ले लेती हूँ। Closer, don't need closure. तो अगर आपके पास ऐसा कोई टी शर्ट है तो आपको उसे लेना है और उल्टा करके पहन लेना है। तो ये रहा टी शर्ट जिसका गला थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे खींच के और थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ ताकि ये आसानी से घुस जाए अंदर। ये नीचे नहीं जाएगा किशन भाई, हाँ, थोड़ा और नीचे। ये अगर नीचे आ जाता तो तो फाइनली ये रहा मेरा फैशन, जिसे करते करते मेरा जीव निकल गया था। ये नीचे वाला जो गला का पार्ट है टी शर्ट का,
उसे आप यहाँ से एकदम यहाँ पे अगर मतलब ले आना बहुत ही ज़्यादा टफ है। मैं बहुत ही मेहनत करके मैंने ये काम किया। ओवरऑल सही है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसे करने के लिए। बल्कि दोनों बटन के मिडिल से, अच्छा इस कॉर्नर को ऐसे अंदर डालना है और फिर इस कॉर्नर को ऐसे अंदर डालना है और फिर वाओ। तो ये रहा मेरा शर्ट जिसमें बटन्स बहुत ही कम है, तो यहाँ से मैं बटन्स ओपन कर लेती हूँ। तो ये रहा दोनों पार्ट और ये रहा ये गैप। इसके अंदर हमें इस पार्ट को डालना है। अब डालने के बाद यहाँ पे, अरे भाई घुस जा, ये जो गैप बन गया है इसमें हमें इसको डालना है। ये फाइनली ये हो गया गाइस, दिखने में अच्छा लग रहा है। मतलब दोनों जो पार्ट है एकदम इक्वल आ गए। कैसा लगा बताओ और कौन सा हैक सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो लाइक मार दो और साथ में शेयर भी कर डालो। और हाँ, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट्स द रॉयल डॉट ऑफिशियल। और नए लोग प्लीज यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय।